हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रेनिबिस। सो प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा कि डिक्लेरेशन किट कैसे फिल करते हैं, उसमें कौन कौन से डिटेल्स मैंडेटरी है और कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिल करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, पहले वो वीडियो जाके देख लेना, फिर उसके बाद ये वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो में देखेंगे जो डिक्लेरेशन किट फिल किया था प्रीवियस वीडियो में, उसको कहाँ पे और कैसे अपलोड करना है, उसका पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट फर्दर डिले चालू करते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है कि सबसे पहले वी हैव टू ओपन TCS आयन साइट। तो वी हैव टू गो टू दिस साइट www.tcs.com/career/explore। सो यू जस्ट नीड टू ओपन दिस लिंक इन टू द ब्राउजर। यू विल फाइंड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। सो आफ्टर ओपनिंग दिस लिंक you will find this type of page. Then in the second step, you just need to scroll down the page until you see this explore profile. So explore profile mein aapko do options dikhenge. First one is student and second is TCS. So you have to select student option. After clicking on this option, you will get this pop-up. So likha rahega ki we are taking you to another website now. So then after clicking on OK, you will redirect to the new page. Like this. So in this page, they will ask you to enter here your email ID or reference ID and the password. After filling the details in the email ID section and the password section, you just need to click on login. Then after that, again you will redirect to new TCS careers page, which will be like this. So yahan pe alag alag courses already added rahenge. If in case you don't know, yahan pe एक्सप्लोर में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसका आप यूज़ करके कोर्सेज कर सकते हो, फॉर IRA, फॉर एक्सप्लोर सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जावा, पाइथन, एनीथिंग। तो ये यहाँ पे अपने को क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे एक और सेक्शन रहेगा जहाँ पे लिखा रहेगा कि TCS वर्चुअल ऑनबोर्डिंग। सो फॉर दिस कैंडिडेट्स इट वॉज 30th December 2021, फॉर यू इट विल बी डिफरेंट। तो इन दिस सेक्शन और दो सेक्शन रहेंगे, एक कोर्सेज का और एक कम्युनिटीज का। तो अपने को कोर्सेज पे क्लिक करना है। देन अगेन इनसाइड द कोर्सेज सेक्शन देयर विल बी रिटर्न वन टैब एक्सप्लोर कैंडिडेट ऑनबोर्डिंग एंड फॉलोइंग बाय द जॉइनिंग डेट। सो यू विल सी देयर अ लॉन्च आइकन। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट लॉन्च आइकन और बटन। आफ्टर दैट यू विल बी रीडायरेक्टिंग टू अगेन अ न्यू पेज कॉल्ड आयन डिजिटल लर्निंग। लेफ्ट साइड में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखेंगे, राइट साइड में हर एक कंटेंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा। सो फॉर दिस वीडियो विल बी कवरिंग डिक्लेरेशन किट सेक्शन। सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन ऑन द जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस ये एक्सपैंड हो जाएगा एंड इनसाइड द जॉइनिंग डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यू विल अगेन कम टू दिस डिक्लेरेशन किट। सो डिक्लेरेशन किट में क्या रहेगा कि यहाँ पे देखेंगे कि टोटल मार्क्स, पास मार्क्स, अटेम्प्ट्स अवेलेबल, मोड ऑफ सबमिशन, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन। सो इन दिस केस इट विल ऑलवेज बी ऑनलाइन एंड हियर यू विल फाइंड ड्यू डेट। सो यहाँ पे ड्यू डेट लिखी है 19 अप्रैल 2022 एंड टाइम। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दिस यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन लॉन्च असाइनमेंट। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द लॉन्च असाइनमेंट इट विल ओपन अगेन ओपन अ न्यू बॉक्स। देयर यू विल हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट। सो कैसे अपलोड करेंगे? तो जो डिक्लेरेशन किट का फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंटआउट निकालना है सबसे पहले, फिर फिल करना है पेन से। देन जहाँ पे साइन, सिग्नेचर और डिटेल्स बोला है वो पूरा फिल करना है। देन उसके बाद उसका स्कैन करके एक PDF बनाना है। PDF का साइज है अराउंड 500 KB टू लेके 600 MB के बीच में साइज होगा। तो आपका PDF बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है, लेकिन अपलोड करने से पहले उसका एक नेमिंग कन्वेंशन रहता है। सो उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे देना है PDF को, DK_CTDT_YOUR_FULL-NAME। एग्जाम्पल के लिए जैसे लेंगे DK मतलब डिक्लेरेशन किट, _CT_ जो भी आपका सिटी नंबर है एंड फिर से _DK आपका फुल नेम। सो यहाँ पे DK CT जो भी सिटी नंबर है एंड देन जेसन जैक जोन्स इसका जो भी नाम था, इट इज़ फॉर एग्जाम्पल ओनली। देन जैसे ही आप वहाँ पे अपलोड और सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपको दिखेगा
सबमिटेड फॉर इवेल्यूएशन। इन दिस केस ये कैंडिडेट के केस में उसका पहला अटेम्प्ट थोड़ा रॉन्ग हो गया था, उसने फिर से असाइनमेंट लॉन्च किया और फिर से वहाँ पे एडिट करके फिर से अपलोड किया एंड देन फिर से सबमिट किया। तो यहाँ पे सेकेंड अटेम्प्ट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 99 अटेम्प्ट मिलेंगे, लेकिन 99 पूरे वेस्ट होने के बाद आपका हो सकता है एक तो पोर्टल काम ना करे या फिर आपकी ज्वाइनिंग ना हो। सो मेक श्योर कि 1 एंड 2 अटेम्प्ट में ही ख़त्म करो, ज़्यादा एक्सटेंड ना करो। सो ये था डिक्लेरेशन किट कैसे अपलोड करो उसके बारे में। देन उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे ऑफर लेटर भी अपलोड करना पड़ेगा, देन सर्विस एग्रीमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा एंड देन ऑनबोर्डिंग फॉर्म्स भी अपलोड करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर है एंड बट जो नेमिंग कन्वेंशन इन डॉक्यूमेंट्स के लिए रहेंगे वो अलग रहेंगे। ये मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। सो इस वीडियो में अपन ने देखा कि डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद, उसको स्कैन करने के बाद, उसको अपलोड कैसे करते हैं और उसका नेमिंग कन्वेंशन कैसे करना है एंड कैसे असाइनमेंट लॉन्च करके अपलोड करके उसको सबमिट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने न्यू ज्वाइनीज फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।